22 जनवरी 2024 को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत द्वारा 15 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक यवतमाल मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन तंबू चलाया जाएगा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद मुंबई क्षेत्र के मंत्री गोविंद शेंडे, विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष राजेश्वर निवाल, विदर्भ प्रांत के मंत्री प्रशांत तित्री, विहिप यवतमाल विभाग के मंत्री राम लोखंडे की उपस्थिति में उदयनगर चौक स्थित हनुमान मंदिर से राशन ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रस्ट ने यह आह्वान किया था कि हम किसी भी राम भक्त को भूखा नहीं रहने देंगे। उस आह्वान को विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकार किया और विदर्भ प्रांत के कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया, जिसमें यवतमाल विभाग जिसको हम कहते हैं यवतमाल जिला सरकारी, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने निर्धारित किया कि हम एक महीने तक के वहाँ पर लंगर चलाएंगे। उसमें हमारे वहाँ के जो विभाग मंत्री हैं रामजी लोखंडे और हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष हैं राजेश्वर जी निवल, जो वहीं यवतमाल में ही रहते हैं, इन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और समाज से आह्वान किया, एक मुट्ठी अनाज राम के नाम, लंगर के नाम, रथ बना कर के घुमाया और ये सारा अनाज उसके अंदर जमा हुआ है। एक माह तक चलने वाले इस अन्न छत्र के अवसर पर 100 कार्यकर्ता निशुल्क अपनी सेवा देने वाले हैं। शुक्रवार 60 कार्यकर्ता इन सामग्री को लेकर अयोध्या के लिए निकले और शेष 40 कार्यकर्ता ट्रेन से रवाना होने वाले हैं। अयोध्या में मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा लंगर का स्थान है। इस स्थान पर हम अभी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ये लंगर का कालावधि है, एक माह का। ट्रस्ट ने कहा तो और भी आगे बढ़ेंगे। इस शुभ अवसर पर जो 500 साल से इंतजार कर रहे थे और 1500 साल से ऐसी महापूजा इस भारतवर्ष में कहीं नहीं हुई जो अयोध्या में होने जा रही है। 1500 साल के पश्चात इस महापूजा में हम वहां पर रहेंगे, यह सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है लंगर के माध्यम से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से विदर्भ प्रांत द्वारा संचालित अन्न छत्र के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उन्हें समर्पण समारोह के लिए अयोध्या में आमंत्रित लगभग 1000 साधु संतों की सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र 15 से 25 जनवरी के बीच, साथ ही नागपुर में शिव शक्ति सेवा मंडल जो अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर सेवा भी प्रदान करता है, अयोध्या में अन्य स्थानों पर भी लंगर सेवा प्रदान करेगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए आम राम भक्तों ने लगभग 30 दान दी है। इस खाद्य आश्रय स्थल को ढेर सारी राशन सामग्री और वित्तीय सहायता दी है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक माह तक चलने वाले अन्न छत्र में प्रतिदिन सुबह शाम करीब 20,000 श्रद्धालु महाप्रसाद का लाभ उठा सके, लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इस व्यवस्था को बढ़ाना जरूरी होगा, इसलिए राशन सामग्री उपलब्ध है अभी भी एकत्र किया जा रहा है और दानदाताओं से अनुरोध है कि वे इस पवित्र कार्य में उदारता पूर्वक मदद करें। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।